एक भी किसान जेल में नहीं है, एक भी किसान जेल में नहीं है। उनमें हमने पीछे 24 नवंबर को स्टैंड ले लिया था, जी 63 केस जो है वो रेलवे के बचे हुए थे वो सारे वापस करवा दिए थे, और 164 केस हरियाणा के अंदर किसानों के बचे हुए थे वो भी 24 नवंबर को जब हमने जीटलोड बंद करने की कॉल दी थी तो होम मिनिस्टर ने बात के लिए बुला ली तो वो भी वापस हो गए थे। आंदोलन, ये आंदोलन शुरू होने से पहले के और ये आंदोलन शुरू होने से 10-12 केस बाद के, ये कोई 30-40 केस अभी पेंडिंग हैं जो इस आंदोलन के दौरान के नहीं है, पहले के और बाद के हैं। तो वो भी सरकार ने कहा तो था वापस लेने के लिए, लेकिन जेल में कोई भी नहीं। तो अभी जिस तरह आंदोलन क्या दोबारा से होगा, जिस तरह डिमांड पूरी नहीं, देखिए डिमांड तो जो है वो सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन अभी जल्द में कोई आंदोलन चलेगा ऐसी भी कोई बहुत संभावना नहीं है। तो अभी मंडियों में जो गेहूं की खरीद है अभी पूरे तरीके से हो रही है, 15 तारीख तक जो है नहीं, मंडियों में पूरे तरीके से गेहूं की खरीद नहीं हुई है। जो इधर का इलाका है रोहतक साइड का, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आई है, हमारी तरफ सिस्टम दूसरा है, यहाँ सिस्टम दूसरा है, तो यहाँ पे भी बाहर गेहूँ पड़ी हुई है। मैंने भी यहाँ के पी साहब से बात की थी, अभी तक उस सारी का उठान नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आई है। और दूसरा अब की बार एक कट लगा दिया था 5 रुपये 18 पैसे से 7 रुपये 31 पैसे तक का, तो उसके बारे में भी हमने आंदोलन किया था और सब जगह पर रोड ब्लॉक करने की धमकी दी थी, तो वो वापस ले लिया सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, उठान जितना लेट होगा पेमेंट उतने लेट आएगी, उससे किसानों का बहुत नुकसान है। देखिए खिलाड़ियों के पक्ष में हम काम कर रहे हैं, खिले हुए 2-3 बार वहाँ जाके भी हैं, कल भी जा रहा हूँ। और दूसरा हम 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, एक 25 तारीख को जो है वो खटखट टोल पे, और आने वाली 4 तारीख को मुगलाना के मुगलाना सोनीपत में पड़ता है, तो दोनों जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पे ये भी हम दिखाएंगे कि हरियाणा खिलाड़ियों के साथ है, और जो पूरे गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी उनको भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि सरकार उनको भी पुलवामा की पोल खोलने पर, किसानों के पक्ष में बोलने पर उनको भी प्रताड़ित कर रही है, उनकी सिक्योरिटी छीन ली, उनका मकान छीन लिया है, लेकिन फिर भी वो सरकार के बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, तो उनको भी सम्मानित करेंगे। कर्नाटक चुनाव की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी का सफाया हो गया है, पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी का सिंचाई, अगर यूपी की बात करें तो सारी किसान बीजेपी के पास है। देखिए होता ये है कि एक पार्टी से लोग दुखी होते दूसरी पार्टी का राज आ जाए, लेकिन जो आंदोलन जो बदलाव होना चाहिए वो व्यवस्था का बदलाव होना चाहिए, ना कि राजनीति का। सत्ता परिवर्तन करते हैं हम, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता।